हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं एवन टीचिंग क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्लास 10 का, एरिया रिलेटेड टू सर्कल से, एक्सरसाइज है 12.2। तो पहले ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबस्टेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड द मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो हमें निकालना क्या है, माइनर और मेजर सेगमेंट। तो सबसे पहले डायग्राम समझने के लिए बना दे, ठीक है। अब ये सर्कल बन गया, अच्छी तो नहीं बनी है, फिर भी आप मैनेज कीजिए, ठीक है। अब देखिए, सेंटर जो है ये वो हो गया, और यहाँ से अगर दो रेडियस बनाएंगे 15 सेंटीमीटर का, तो ये जो एंगल होगा 60 डिग्री, ये क्वेश्चन में बताया गया। एक कॉर्ड बना लेते हैं, ठीक है, नाम दे देते हैं ओ पी क्यू, ये ट्रायंगल होगा ओ पी क्यू, और यहाँ पे हम आर्क मार्क कर देते, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें निकालना होगा वो हमें निकालना होगा सेक्टर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सेक्टर, फिर हम इसे प्रूफ करेंगे कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। उसके बाद हम जो दिया हुआ निकाल लें, हम उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेक्टर के साथ, तो खुद ब खुद निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हमें करना ये है, रेडियस कितना दिया, 15 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ सेक्टर आराम से निकल सकता है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी आर क्यू, ठीक है, ओ पी आर क्यू, इस सेक्टर को हम निकाल रहे हैं। फॉर्मूला क्या था, थीटा बाय 360, थीटा यहाँ पे 60 है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1/6 कैंसिल करेंगे तो 1/6 आएगा, इंटू पाई का वैल्यू हमें क्वेश्चन में बता दिया गया 3.14 लेना, ठीक है, तो 3.14 ही लेना, 14 इंटू 15 इंटू 15, ये था हमारा रेडियस। तो हम इसे कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम दोबारा इसे प्रूफ करेंगे कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो ये क्वेश्चन समझने में थोड़ी आसानी होगी। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ठीक है, मिलेगा क्या हमें, ओ पी क्यू इक्वल्स टू ओ क्यू पी, ये जो पी है और ये क्यू जो है बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि दो रेडियस जो है ना वो दोनों बराबर है, ठीक है। अब जैसे ही दोनों रेडियस बराबर है तो ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर होगा, एस ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू, ठीक है। अब देखो, एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये ट्रायंगल को ले रहे हैं हम, ठीक है। और हमें पता है थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ट्वाइस ओ पी क्यू इक्वल्स टू 120 डिग्री, डायरेक्टली हम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ओ का जो ओ ये जो है ना ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट हो जाने के बाद ये 180 से ये 120 बन जाएगा, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। अब ये टू इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स टू 60 डिग्री बन जाएगा, ये टू 120 से डिवाइड हो गया तो 60 डिग्री बन गया, ठीक है, क्योंकि ये एंगल 60 बन गया तो ये भी 60 होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर था और ये भी 60 है, तो तीनों एंगल क्या है 60 60 60, इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो देयरफॉर ओ पी क्यू, ट्रायंगल ओ पी क्यू इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो, हमें इसका एरिया भी निकालना होगा ताकि हम इसे सब्ट्रैक्ट कर सके ना इजीली। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला बैठाएंगे, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, साइड क्या था हमारा 15 सेंटीमीटर, तो √3 का भी वैल्यू डायरेक्ट बैठा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया √3 का वैल्यू जो है ना 1.73, नहीं है। अब देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आएगा
225 रूट 3 बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 56.25 रूट 3, और ये रूट 3 की जगह पे हम लोग निकालेंगे, रूट 3 का वैल्यू होता है 1.73, और क्वेश्चन में भी दिया गया रूट 3 का वैल्यू 1.73 लेना है, ठीक है, तो 56.25 इंटू 1.73, तो ये हो गया 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है सेगमेंट निकालना था, ठीक है, सेगमेंट निकालना है, ठीक है, तो सेगमेंट भी आसानी से निकल जाएगा, हमें सेगमेंट जो निकालना है डायग्राम में दिखा देता हूँ, ठीक है, पी आर क्यू, ये जो ये पार्ट निकालना है, तो सेक्टर निकाला था हमने, ट्रायंगल निकाल लिया, अब ये सेक्टर पूरे सेक्टर से इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो ये तो खुद ब खुद निकल जाएगी, ठीक है ना, चलो निकाल देंगे इसे। अब देखिए एरिया ऑफ द सेगमेंट, पी आर क्यू क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी आर क्यू माइनस इस ट्रायंगल का ओ पी, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, सो एरिया नहीं लिखा मैंने, जगह नहीं था इसलिए, ठीक है। अब देखो हमारा निकला कितना था, ये तुम्हारा 117 जो पहले निकाला था हमने, 75 माइनस 97 ये जो हमने अभी निकाला 3125 को दोनों को माइनस कर दो, आ जाएगा तुम्हारा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो था तुम्हारा माइनर, अभी हमें मेजर भी निकालना है, ठीक है, तो मेजर निकालने के लिए देखते हैं, एरिया ऑफ मेजर ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, ये पूरा सर्कल से माइनस कर देंगे, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट पी आर क्यू, ठीक है, ये जो हमने अभी निकाला सब्सट्रैक्ट करके, ठीक है, तो ये एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, और माइनस हमने अभी क्या निकाला था, एरिया ऑफ सेगमेंट, ये निकाला था 20.4375, ठीक है। अब इसका पहले आंसर निकाल लेते हैं, फिर दोनों को माइनस कर देंगे, तो ये 3.14 इंटू 15 इंटू 15 माइनस 20.4375, ये पॉइंट यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, ये पॉइंट नहीं है यहाँ पे। अब देखो इन सारे को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आएगा 706.5 माइनस, अब 20.4375 से माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, है ना, कितना सिंपल। तो आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर आप चाहते हैं कि हमारा वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, थैंक यू।